सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हमारा चैनल अब 10K फैमिली होने वाला है. आई एम सुपर एक्साइटेड यू गाइस. मैं ना इसी चीज़ से मुझे ना एक चीज़ याद आ गई कि मैं आप लोगों के साथ में ना क्या करने वाली हूँ, गिव अवे करने वाली हूँ. जी हाँ, तो आप जिसके 5 कॉमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे उनको मैं फीचर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और अवे करने वाली हूँ. हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल चिंतन असोपा व्लॉग्स पे आपका स्वागत है. और आज हम बात करने वाले हैं उन 10 टिप्स के बारे में जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है लेकिन ब्यूटी के लिए रामबाण है. तो फिलहाल तो मैंने अपने घर रूम की सफाई करवा ली है जो मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ साथ में वो 5 पहले आयुर्वेदा टिप्स दे देती हूँ. सबसे पहले तो अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप नस्या करके सोए. नस्या क्या होता है, जिसमें आप गाय के घी को थोड़ा गुनगुना करके 3-3 ड्रॉप्स अपने नाक के छेद में डालें, नॉस्ट्रल्स में डालें और सो जाएं. इससे आपकी नींद बहुत अच्छी रहती है. साइनस वगैरह की बीमारी अगर आपको है तो उससे आपको आराम मिलेगा. और अगर बात करें आँखों की, तो आप त्रिफला के पानी से अगर आँखें धोएंगे तो आपकी आँखें साफ होगी और आँखों में कोई पेन, स्ट्रेस वगैरह आईब्रोज पर जो रहता है आँखों में वो भी नहीं रहेगा. और आप दांतों की सफाई के लिए ऑयल पुलिंग करें. ऑयल पुलिंग से दांत साफ रहते हैं, मसूड़े का स्वास्थ्य भी बना रहता है. और ऑयल पुलिंग से आपकी स्किन, बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे, आपकी स्किन भी अच्छी होती है. और ठीक, सर्दियों में ना गुनगुना पानी ही पीना चाहिए. मैं गुनगुना पानी पीती हूँ. और गर्मियों में कॉपर कंटेनर में आप पानी रख के सोएं और सुबह उठ के ठंडा ठंडा पानी वो पिए. देखिए, मेडिटेशन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में. आप दिन में ना 7 मिनट का टाइम निकालिए और एक मेडिटेशन के लिए आप एक कैंडल को जलाएं और उस कैंडल की लौ को आपको 7 मिनट तक कंटिन्यूसली देखना है. कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, एकदम थॉटलेस माइंड के साथ में. तो इससे क्या होगा कि आप मेडिटेशन से आपका फोकस शार्प होगा और एक हर चीज़ में आपको ना अटेंटिव माइंड रहने की ज़रूरत होती है और अटेंशन आपका, इससे अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ता है. और उसके बाद में बात करते हैं रात को सोते टाइम आप सबसे पहले तो अपने पाँव धो के सोएं, क्योंकि बोला जाता है पाँव धोने से आपकी नेगेटिविटी चली जाती है और एक बहुत ही साउंड स्लीप आती है. और ये बहुत ही हेल्दी भी तरीका है जिससे आप अपने दिन के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक अच्छी नींद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. ऑयल पुलिंग मैंने आपको बताया ही था. ऑयल पुलिंग आप भूखे पेट करें सुबह सुबह. तिल का तेल जो होता है वो ले सकते हैं गर्मियों में और सर्दियों में. और गर्मियों में आप नारियल का तेल ले सकते हैं क्योंकि उसकी तासीर आपको पता है कि ठंडी होती है. और नारियल के तेल से और तिल के तेल से आप मसाज कर सकते हैं पूरी बॉडी पे, जिससे आपके जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं वो खुलते हैं और साथ साथ में रिलैक्स फील होता है आपको. और आप ये कर सकते हैं कि आप एक तो सबसे पहले कि आप सीधा बैठें और सीधा चलें, जिससे क्या होता है कि बॉडी में है जो ऑक्सीजन है वो हर ऑर्गन को मिलती है. और डिटॉक्स करने के लिए आप अपने पाँव को धो के सोएं, जिससे आपकी सारी नेगेटिविटी दिन की चली जाती है. और आप एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा व्यायाम अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं. ज़्यादा नहीं करना है, मतलब आपको थोड़ा सा खाना खाने के बाद आप हल्की फुल्की एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी. और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो अनगिनत है, लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए हम करते भी नहीं है. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा वॉक ना खाना खाने के बाद 5-10 मिनट ज़रूर करके सोएं करें. इससे आपकी बॉडी बहुत ही हेल्दी रहेगी लॉन्ग टाइम में. और यही तो आयुर्वेदा के वो 10-11 टिप्स थे जो मैं अभी बुक भी पढ़ रही हूँ आयुर्वेदा की, तो मैं ये फॉलो कर रही हूँ. और बालों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए तो कोई भी एक ऑयल के अंदर आप उसको थोड़ा सा गुनगुना करें, उसके अंदर दाना मेथी का जो पाउडर है वो मिक्स करें और उसको जैसे ही थोड़ा उबाल आ जाए उसे बालों की स्कैल्प पे लगा लें. इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे. ये तो थे मेरे स्किन के और हेयर के टिप्स, जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं और इस विंटर्स को बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं. आज मैंने एक टेंट मंगवाया है और जो टेंट है वो नायका से मंगवाया है. पहले तो ये बॉक्स मेरा आ गया है, मैं अभी उसको ओपन कर रही हूँ आपके सामने. और ये इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई करती हूँ. 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन. नायका का फेस्टिव ग्रीटिंग भी आया है और साथ में बिल तो मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैंने अपने गुर्दे बेच के ये टेंट खरीदा है. थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको ये कुछ 1700 का पड़ेगा. खैर मैं आपको बताती हूँ इस टेंट के क्या क्या मतलब रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे और उसको यूज़ करने के बाद में और आपको कुछ जानने को मिलेगा. ये कौन सी कंपनी का है मैं आपको बता दूँ, ये लव टेंट बेनिफिट का है. और लोग सही कहते हैं ये इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आप ज़रूर इसको मुझे मतलब थैंक यू बोलोगे कि आपने इसके बारे में रिव्यू दिया और हमने इसका. सो गाइज, ये छोटा सा टेंट है. आप लोग सोचेंगे बहुत छोटा सा है, हाँ बहुत क्वांटिटी कम है इसकी. आपको मिलेगा अराउंड
ये 6 ml का, और ये जो टेंट है ये बहुत ही अच्छा टेंट है। मैंने एक बॉटल यूज़ कर ली है, उसके बाद में मैंने ये दूसरी मंगवाई है, मुझे बहुत पसंद है। और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगता है। सिर्फ एक टेंट से आप इसका मेकअप भी कर सकते हो, आई मेकअप भी हो जाता है और एकदम नेचुरल लुक इसका आता है। आप इसको चीक्स पे लगाएंगे तो बाकी सब टेंट को इसने पीछे छोड़ दिया है। मैंने खूब सारे टेंट यूज़ किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगता है टेंट यूज़ करना, और ये एक टेंट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये मस्ट ट्राई है। तो देखिए, सबसे पहले हमने काम शुरू किया है यहाँ पे, ये जो कपड़े थे उसको हमने जमाने का सोचा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाली जो मेरी कबर्ड है इसके अंदर मैं अपने वैसे कपड़े रखती हूँ, मतलब जैसे घर पहनने के जो होते हैं। तो हम पहले तय करके हम ये सारे कपड़े वहाँ रखते हैं, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर और मेरी जो बुक शेल्फ है उसको कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद मैं टेबल एंड देन आई डू माई ड्रेसिंग। ओके, सो लेट्स गो। और देखिए, ये मैंने अपना पूरा रूम क्लीन कर लिया है, मुझे टाइम तो लगा लेकिन मेरी हेल्प की मनीषा ने। मनीषा से मैं आपको बाद में मिलवाती हूँ। लेकिन देखिए, मैंने पूरा वुलन बेडशीट लगा दी है और यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर दिया है, और ये कपड़े वपड़े सब अंदर डाल दिए जमा के, और ये मेरा पूरा, ये मैंने सॉक्स का ड्रॉअर है, ये मेरे अंडर गारमेंट्स का और मेकअप का है, ये इस पर मैं अपने बाहर जाने के, पता नहीं इसमें क्या रखती हूँ, ओ गॉड, इसमें तो ये नहीं दिखा सकती आपको। और ये मैंने बुक्स को कवर कर दिया, मेरी इतनी सारी बुक्स हैं और मैंने बुक्स को, मुझे ना एक बहुत लगाव है बुक्स से, तो मैंने कवर करके रख दिया है। और मैं अभी इनको टच नहीं कर रही हूँ तो मैंने इनको बंद कर दिया है, और जब मैं इनको निकालूंगी तो मैं ऊपर से हटाऊंगी और बुक निकालूंगी जो मुझे निकालनी है। मेरी बुक्स कुछ यहाँ भी पड़ी है, तो मेरे को अपनी बुक्स से बहुत अटैचमेंट है, और अगर मुझे लगता है मैं कहीं जा रही हूँ और पीछे से अगर मेरी बुक्स किसी ने टच की तो एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है, पता नहीं मुझे एनजाइटी हो जाती है। तो मैं अपनी बुक्स को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ, लोग अपने कपड़ों को लेके होते हैं या अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके होते हैं, मैं अपनी बुक्स को लेके हूँ। इसे प्यार से ढक दिया मैंने, और मैं इनको पता नहीं जब भी यूज़ करूँगी ऊपर से निकालूंगी प्यार से, और एकदम झड़का के साफ साफ बुक्स करके, और मैं इसको रखती हूँ। तो ये तो था मेरा रूम टूर, एक्चुअली रूम टूर नहीं कह सकते इसको, बट मैंने रूम को थोड़ा सा मेकओवर किया है, बहुत गंदा पड़ा था इतने दिनों से, और फाइनली अब मुझे टाइम मिला है। तो फाइनली मुझे अब टाइम मिला है अपना रूम क्लीन करने का, वो इसलिए क्योंकि हुआ ये था कि मैं अपनी जॉब में इतना ज़्यादा बिजी थी, इतना ऑक्यूपाइड रहती थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन मैंने सोचा कि अब तो जॉब भी नहीं है, जॉब मैंने रिज़ाइन कर दिया है, तो अब क्यों ना इस रूम को थोड़ा सा मेकओवर करें और रूम को थोड़ा सा क्लीन करें। तो मैंने किया और फाइनली अब मैं फ्री हूँ, और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब अब मैं देने वाली हूँ। अब मैंने आपको एक बोला था कि मेरा एक वीडियो आने वाला है ट्रूथ एंड डेयर वाला, जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा जवाब, ऐसे सवालों के जवाब दूं जो आप मुझसे नहीं पूछ पाए, तो इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। आप पूछें मुझसे सवाल, कुछ भी आप मेरी लाइफ से रिलेटेड पूछें जिसका जवाब मैं आपको दे सकूं, मेरे बारे में पूछें, या फिर कोई ऐसा सवाल ना पूछें जिसका जवाब मैं आपको दे ही ना पाऊँ क्योंकि फिर मैं उसे इग्नोर कर दूँगी। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसका जवाब मुझसे पूछ सकते हैं, अगर उसको मुझे वाजिब लगेगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर देने वाली हूँ आपको, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोला था सिर्फ और मैं वीडियो नहीं लाने वाली हूँ, वीडियो ज़रूर आएगा, वीडियो ज़रूर आएगा, मैंने आपको एक बार बोल दिया तो वो काम ज़रूर होगा। तो मम्मी लाए हैं चाय, चल चाय पीते हैं, खूब सारा प्यार बरसाएं। और अगर आप मेरे NK फैमिली का हिस्सा होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए मेरी वीडियो डालते ही। और 10K फैमिली होने वाले हैं, कम ऑन गाइस, कीप अप द स्पिरिट्स, बाय, टाटा, टेक केयर।